सखी सैया तो खूब कमाते हैं, महंगाई डाइन खाए जाते हैं। पेट्रोल और डीजल की कीमत दिनों दिन आसमान छू रही है। रसोई गैस से लेकर हर दिन कुछ ना कुछ महंगा हो रहा है और महंगाई का यही मुद्दा अब कांग्रेस ने पकड़ लिया है। महंगाई के मुद्दे को लेकर रोजाना कांग्रेस हल्ला बोल रही है। कोटा में भी कांग्रेस का हल्ला बोल प्रदर्शन जारी है। कोटा में हर दिन अनूठे तरीके से केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है। कोई बैलगाड़ी के साथ प्रदर्शन कर रहा है तो कोई भैंस के आगे बीन बजाता हुआ दिखाई दे रहा है। कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने महंगाई को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ बिगुल बजाया हुआ है। कांग्रेस का आरोप है कि केंद्र की मोदी सरकार अच्छे दिनों का वादा करके सत्ता में आई थी, लेकिन बढ़ती महंगाई पर सरकार का कोई कंट्रोल नहीं है। एक हमें आंख की लड़ाई मार गई। महंगाई पर केंद्र सरकार बेबस नजर आ रही है और आम जनता पर महंगाई का बोझ बढ़ता ही जा रहा है। केंद्र सरकार को सद्बुद्धि देने के लिए कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कोटा में यज्ञ भी किया और आहुतियां देकर सरकार को सद्बुद्धि देने की कामना की गई। उधर महंगाई का सबसे ज्यादा सामना गृहणियों को करना पड़ रहा है तो गृहणियां भी पीछे नहीं रही। उन्होंने भी सड़कों पर उतर बढ़ती महंगाई पर केंद्र सरकार का कुछ इस तरह विरोध किया। कोटा की खबरों से अपडेट रहने के लिए YouTube पर सब्सक्राइब करें कोटाखबर.com पर और हाँ बेल आइकन दबाना ना भूलें।